हाँ जी, आई नो कि बहुत से सवाल मज़ीद उठाए जा रहे हैं, एलिगेशन लगते ही चले जा रहे हैं क्योंकि वो लोग नहीं रुक रहे। मैं बहुत मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी। लेकिन अब वो जिस तरह से बिलो द बेल्ट जा रहे हैं, जैसे उनके वकील ने SP साहब के सामने एक बहुत घटिया बात की और मेरी ज़बान भी साथ नहीं दे रही। उन्होंने थाने में बैठ के SP साहब के सामने, जबकि दोनों फरीकैन आपस में आमने सामने बैठे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी मोहसिन जो है इसकी तो बहनें कॉल गर्ल्स हैं, ये तो प्रोफेशनल कॉल गर्ल्स हैं फैसलाबाद में। तो आप ये सोचिए कि मैं किस तरह इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहा हूँ, और मैं करेक्टर असैसिनेशन मेरी तो कर ही रहे हैं वो, उस साथ साथ मेरी बहनों की, मेरी फैमिली की करेक्टर असैसिनेशन पे भी उतर आए हैं। तो गुजारिश सिर्फ ये है कि जो साथ में वो जो नकली गवाहान की जो आमद का सिलसिला शुरू हुआ है, जो कि वहाँ पर जाए वकूआ पे ना मौजूद हैं, ना वो कोई मेरे हमसाए हैं, वो ख़ुद मान रहे हैं कि वो सेकंड हैंड गवाह हैं, जो कि जिस खातून का वो नाम नहीं ले रहे, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड है सारा ज़ुबैर, वो मेरी बेगम की दोस्त हैं। तो ये सारा एक ग्रैंड प्लान का हिस्सा है जी। उस लड़की का नाम सारा ज़ुबैर है, जो कि गौहर रशीद साहब की गर्लफ्रेंड है। उन्होंने इनसे कुछ मिली भगत करके तो चीज़ें शेयर करवाई। गौहर रशीद साहब मुखबरी भी किया करते थे सेट से, क्योंकि वो नाजिर जहांगीर, जिनके बारे में ये अक्सर तस्करा हो रहा है, उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया था, तो वो फातिमा को मुखबरी किया करते थे कि हाँ जी अब वो सेट पर आ गई है, अब वो ये कर रही है, अब वो कर रही है, क्योंकि फातिमा वॉज़ वेरी कीन के वो क्या कर रही हैं, क्योंकि वो उनको मुझसे जिस रिश्ते में मंसूब कर रही हैं वो इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा तहकीक करती थी, मेरी भी करती थी और वो उनकी भी करवाया करती थी। तो गौहर रशीद साहब ज़ाहिर है इसका हिस्सा हैं काफ़ी अरसे से, और वो फातिमा के मुखबर के तौर पे भी काम करते रहे हैं सेट्स पे रहकर, और वो अपनी गर्लफ्रेंड सारा ज़ुबैर को के कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं ज़ाहिर है। तो मैं उनसे हमदर्दी ही कर सकता हूँ कि वो ये सब करने पर मजबूर हैं, तो बिल्कुल करें। और बाकी बात, मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, कल झूठ के पैर तो होते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, वो खुद ही सब कुछ उगले चले जा रहे हैं। कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी मैं डॉक्टर के जाती ना, अगर मुझे चोट लगती, मैं गिरती तो मैं डॉक्टर के जाती ना, मैं तो डॉक्टर के गई ही नहीं। ये उनका बयान कल का है, और कल ही फिर उन्होंने एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल रिपोर्ट नहीं है ये, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन DHA हॉस्पिटल की शेयर की है 26 तारीख की, और एक तरफ वो अपने बयान में कह रही हैं कि मैं तो डॉक्टर के गई ही नहीं। तो उनके बयान और पॉलोफेल में तजाद, और उनके जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन शेयर की है वो एंटी डेटेड है, पुरानी है, फेक है, वो यहीं से साबित हो जाता है कि 26 तारीख को शी डिडंट वेंट टू द डॉक्टर। क्योंकि ये जिस वाकये का पूरा जिक्र चल रहा है 2018 के 26 तारीख के, इन्होंने खुद ही तस्लीम कर लिया कि ये डॉक्टर के नहीं गई। तो उस पर आप इनके वकील जो हैं तशाम, जो कि मेरे बारे में ये बातें कर रहे हैं और बिलो द बेल्ट जा रहे हैं और मेरी फैमिली की और मेरी बहनों की करेक्टर असैसिनेशन पर उतर आए हैं, वो साथ ही बौखला भी गए हैं। आप उस वीडियो में देखेंगे, उन्होंने फ़ौरन कहा कि अच्छा बस ठीक है, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू, क्योंकि उनको एहसास हो गया था कि क्या हो गया। तो थैंक यू सो मच।